प्यारे बच्चों आगे देखो, जिस प्रकार यू है तो सिद्ध कीजिए कि ये बाई ए, ये बाई ए, ये बाई ए इक्वल टू दिस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना फंक्शन दिया हुआ है इसको हम किसके साथ करेंगे, पहले जेड के साथ, ठीक है, फिर हम इसी को वाई के साथ करेंगे और फिर इसी को एक्स के साथ करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका ये बनेगा। मीन्स यू इक्वल टू दिस, ठीक है, ये वाई के साथ आएगा। वाई के साथ सिंपल है, इसको वाई में चेंज कर दो, वाई को जेड, जेड को एक्स में, एक्स क्यूब वाई क्यूब, याद है देख, ठीक है, ऊपर तीनों को जोड़ दो, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार नोट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसको पहले इसको अंदर ले जाइए, फिर एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर वाई के साथ कर दीजिएगा, जेड के साथ कर दीजिएगा, ये आपके तीनों आ जाएंगे, एलसीएम ये आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को इस प्रकार प्रूव कर सकते हैं, दूसरा प्रूव करना चाहते हैं दूसरा भी कर सकते हैं। आगे देखें, ये है तो शो दैट जेड के साथ आएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, जेड की पावर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटे एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स, हम दोनों साइड में लोग लेंगे। देखो ये कर रखे, लोग ले लिए, तो ये जेड लोग जेड आ गए, लोग सी आ गए, और ये ऊपर चला जाएगा, एक्स लोग एक्स माइनस वाई लोग वाई हो जाएगा। इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट किसन के साथ करें, देखो ये दे रखे वाई के साथ, जो बनेगा उसको फिर उसके बाद वाई के एक्स के साथ, ठीक है। अब ये आ जाए डेल जेड अपॉन डेल एक्स के आ गए, दिस आ जाए वाई के साथ आएगा डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई को किसके साथ करें, डेल एक्स के साथ, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, ये रहा आपके पास, इसको किसके साथ कर दो, डेल एक्स के साथ, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर क्या करें, एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो तो मतलब सभी को एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो आपका ये आ जाएगा, समझे ना, कि भाई ये भी आपका एक्स में चेंज होगा, ये भी एक्स में चेंज होगा, ये एक्स है ही, तो सभी चीज़ें मिल करके ये बढ़ गई। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ये निकालो, उसको y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो बने उसको डेल y के साथ डिफ्रेंशिएट करो, फिर ये निकालो आप डेल u बाय डेल x निकाल दो इसका, उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो और उसको डेल बाय डेल x से डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो यार आपकी मर्जी है, लो u ले लिया, ये आ जाएगा, x के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x क्या आ गया, y u के पावर। आगे देखिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया, मैं स्टेप टू स्टेप मूव कर रहा हूँ, ये देखिए क्या आ जाए, फिर वन को वाई के साथ डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, वाई स्क्वायर का टू वाई हो गए, ये हो गए, इसको खोल दिया। या आप इस प्रकार कर सकते हो कि इसको सारे को सभी को इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करके खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी, ये यहाँ रख दो तो इसे पाँच में कन्वर्ट हो गए, चलते जाएं आप,
आगे बढ़े, ओके। अब ये क्या करें, दो और तीन का योग करना है अपने को, दो तो ये आ गया, तीन ये आ गया, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका रिजल्ट हाजिर मिलेगा। इसी प्रकार ये देखिए, ये निकालना है x के साथ डिफरेंशिएट करो जेड को, फिर दोबारा x के साथ करो ये, फिर y के साथ करो, फिर y के साथ करो, आपका रिजल्ट तैयार मिलेगा। देखिए आप, ओके। देखो मैं ये कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, रिजल्ट हाजिर है। ये भी देखें आप, एक्स के साथ किया एक्स बाई आर आ गया, वाई के साथ करो वाई बाई आर आ जाएगा। ये निकालें आप, आया कि नहीं आएगा इसका, मैं डेली यू बाई एफ डैश आर डेल आर बाई एक्स, इसकी वैल्यू रख दीजिए, दोबारा डबल डिफरेंशिएशन कर दिए, आर का आर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चार पांच को जोड़ें, देखो आप इनमें सभी पूंजियां हो गया आराम से। इसके बाद आगे चले आप, सभी को करते हैं एक्सरसाइज में, जो भी आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए वो करें।